फेदई तूफान का धान खरीदी पर विपरीत असर पड़ा है। यहाँ पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जिले के 205 धान खरीदी केंद्रों में संग्रहित लगभग 8,29,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा है, जो बारिश से भीग रहा है। हालांकि अधिकारी सभी खरीदी केंद्रों में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त कैप कवर से ढकने का दावा कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में फेतई तूफान का धान खरीदी पर विपरीत असर पड़ा है। यहां पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जिले के 205 धान खरीदी केंद्रों में संग्रहित लगभग 8,29,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा है, जो बारिश से भीग रहा है। हालांकि अधिकारी सभी खरीदी केंद्रों में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त कैप कवर से ढकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया, जिससे विभागीय दावों की पोल खुल गई। जिला मुख्यालय जांजगीर के पेंड्री स्थित धान खरीदी केंद्र में रखा लाखों रुपए का धान बारिश में भीग रहा है। हालांकि यहां धान को बारिश से बचाने कैप कवर की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां रखे धान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वहीं कई कैप कवर फटे हुए हैं। इसी तरह की स्थिति अमूमन जिले के सभी खरीदी केंद्रों में नजर आ रही है। गौरतलब है कि जिले में 131 सहकारी समितियों के 205 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, मगर मिलर्स के द्वारा समय पर धान का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से खरीदी केंद्रों में रखे धान बारिश की चपेट में आ रहे हैं। 200 पूरे जिले के 205 उपार्जन केंद्रों में हमने निर्देश जारी किया है कि सभी जो खुले में धान है उसको बिल्कुल कैप कवर से ढका जाए। अब अभी तो ऐसा कुछ आकलन नहीं निकला है, क्योंकि लगभग सभी जगह पॉजिटिव रिपोर्ट यह है कि धान को बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, मतलब धान अंकुरित होने की स्थिति में नहीं है। अगर सही समय पर परिवहन हो जाए तो निश्चित रूप से बिल्कुल नुकसान की संभावना नहीं है। जांजगीर से हुमेश जायसवाल की रिपोर्ट, ACN 24।